नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पोहा और बेसन से एक बढ़िया चटपटा स्नैक्स बना के दिखाने वाला हूँ, जिसे कि आप कुछ मिनटों में बना के हल्की फुल्की भूख लगे या चाय के समय कुछ चटपटा स्नैक्स खाने का मन करे तो इसे ज़रूर बना के देखे। तो फिर चले बनाना शुरू करें। इस स्नैक्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है 1 कप पोहा। अभी इसमें डालते हैं काफ़ी सारा पानी, क्योंकि हमें पहले पोहा को अच्छे से धोकर लेना है। तो ऐसे हाथ चलाते हुए अच्छे से धोकर लीजिए। अब इसमें से पानी निकाल कर लेना है और बाद में ऊपर से हम इस तरह से थोड़ा पानी डालेंगे ताकि पोहा अच्छी तरह भीग जाए। तो अभी हमें इसे यहीं पर छोड़ के 1 कप पोहा के पीछे आधा कप बेसन लेना है और बेसन को अच्छी तरह से रोस्ट करना है, यानी कि गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर बेसन को 2 मिनट तक रोस्ट करके लेंगे। आप देख सकते हो कि बेसन अच्छे से रोस्ट हुआ है। तो अभी इसे निकाल के साइड में रखकर तड़का पैन में लगभग 3 चम्मच तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाए तब डालना है आधा चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग डालना है। अभी बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची डालकर गैस को बंद करके इसमें थोड़ा चम्मच चलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा तड़का बनके तैयार है। अब इसे निकाल के देखते हैं कि पोहा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। पोहा तो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हुआ है। तो अभी इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसमें है आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला। अभी आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल के स्वादानुसार नमक डालना है। अभी जो हमने तड़का बनाया था उसे डालेंगे। अब रोस्ट किया हुआ बेसन भी डालते हैं। अभी लास्ट में थोड़ा हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे, ताकि इसमें डाले हुए सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ऐसे प्रेस करते हुए मिला लीजिए, यानी कि रगड़ रगड़ के हमें इसका डो बनाना है। वैसे तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपको ज़रूरत लगे तो ही इसमें पानी डाल के इस तरह का डो बना लीजिए। और बाद में थोड़ा सा डो लेकर हमें इस स्नैक्स को लंबे शेप में बनाना है। आप चाहे तो इस स्नैक्स को किसी और शेप में भी बना सकते हो। ये देखिए, इसी तरह सभी स्नैक्स एक साथ बना ले और बनाने के बाद उन्हें शैलो फ्राई करके लीजिए। आप चाहे तो इसे डीपली फ्राई करके भी ले सकते हो। तो हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हो कि यह बढ़िया फ्राई होने लगे हैं क्या, फ्राई ही हुए हैं। तो दोस्तों, इसे बना के आप आपकी मनपसंद चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ आराम से खा सकते हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।